we have discussed that how can we select or decide the optimal combination if we are talking about a portfolio if we want to invest in a portfolio that ha involves only two risky assets but in the real world we see that investors or the portfolio managers come up with those type of types of portfolios in which there could be many risky assets not only two so, in reality when we come across these kinds of situations what are the various things that are to be considered when we are developing a portfolio or when a portfolio is to be constructed that involves that that is composed of more than two risky assets so it basically we follow two step procedure that is that helps us in doing that and in the first step वी डिसाइड के जो रिस्की एसेट्स हैं वो किस प्रपोर्शन में आपने एडअप करने हैं और सेकेंड स्टेप में आप रिस्क फ्री एसेट को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं टू मेक इट अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो सो वेन वी लुक एट द ग्राफिकल इलास्ट्रेशंस थ्रू विच वी कैन डिसाइड के हमारा डिफरेंट मैनी टाइप्स ऑफ रिस्की एसेट्स को हमने पूल करना है रिस्क फ्री एसेट के साथ और एक पोर्टफोलियो बनाना है तो वहाँ ग्राफिकल एनालिसिस में हम क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगैन वी विल सी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दैट विल बी ओटेंड बिटवीन कैपिटल एलोकेशन लाइन एंड द एफिशेंसी फ्रंटियर सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल गिव यू द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ विच इज़ पॉसिबल इन द गिवन सर्कमस्टांसिस सो यू नीड टू डिसाइड हाउ मच इज़ गोइ बी द टोटल इन्वेस्टमेंट एंड वॉट आर द वेरियस ऑप्शन फॉर द रिस्की एसेट्स उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हैं उनका स्टैंडर्डिएशन क्या है उनका आपस के रिटर्न की वैल्यू निकालते हैं हमको रिलेशनस की ये तमाम चीज़ें आपको अकाउंट फॉर करने में मदद देंगी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं पॉसिबल जो कि ऑप्टीमल कहलाते हैं ऑप्टीमल का मतलब है जिससे ज़्यादा बेहतर ना हो सके कोई भी इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो आपके पास तो दैट इज़ अगैन डिसाइडेड नाउ अगैन वी नीड टू अंडरस्टैंड के हर कस्टमर की या इन्वेस्टर की पसंद के मुताबिक पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं होता है पोर्टफोलियो के जो बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि डिफरेंट तरह के कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बनाई जाती हैं और what they do is they broadly take into account the factors that generally investors key preferences kuch is -kisam ki hoti hai, risk tolerance level kya hoga, and then according to those preferences they develop different types of final products so when we say that the, the point of tangency between capital allocation line and efficiency frontier gives you the optimal allocation of the risky assets बट दैन वी ऑल्सो सेट के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पहले आपकी कैपिटल एलोकेशन लाइन जहाँ से शुरू होती है वर्टिकल एक्सेस से उस पॉइंट से लेके आपका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहाँ तक के सारे के सारे वो कॉम्बिनेशन हैं जो कि आप इन्वेस्ट जिनमें कर सकते हैं अफोर्डेबल है और वो सारे के सारे एलोकेशन बेहतर एलोकेशन को भी निशानदेही करते हैं उसके अंदर आपने चूज़ कौन सा करना होता है वो तमाम पॉसिबल हज़ारों पॉइंट्स हज़ारों तरह के पोर्टफोलियोस आप नहीं सिलेक्ट कर सकते कुछ फैक्टर्स को काउंट फॉर करके फ़ाइनल प्रोडक्ट्स डिफाइन होती हैं आप जो इन्वेस्टर है उसके पास वो फ़ाइनल प्रोडक्ट्स का चॉइस है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का चॉइस नहीं होता सो so, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स बनाने वाले लोग हैं और जो डिफरेंट तरह के कंसल्टेंट्स होते हैं एडवाइजर्स होते हैं वो इस फाइनल प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं बाय कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड सो व्हेन वी वांट टू डिफाइन द व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट तो फाइनल प्रोडक्ट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय दिज फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड दे आर ऑफर्ड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करती हैं बेसिकली वो एडवांस किस्म की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये फाइने डिफरेंट फाइनल प्रोडक्ट्स आपके लिए बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इसके लिए काफ़ी लेटेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सिंस वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन वेरियंस अप्रोच एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉलोड इन ऑर्डर टू कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमल एलोकेशन और डिफरेंट फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स हम इस्तेमाल करें सिंस वी हैव गॉट द एक्सटेंसिव यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है लेकिन जो मेन वेरियंस अप्रोच हमने डिस्कस की थी कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेते हैं अकाउंट फॉर करते हैं आप उसकी वेरिएशन को अकाउंट फॉर करते हैं उसका उसको भी इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंसिवली टू डिसाइड कि ऑप्टिमल एलोकेशन किस तरह से होगी